प्रणाम पलाक, आप सभी को स्वागत है आपका सुजातास किचन में। आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ उत्तराखंड की खास सर्दी में खाई जाने वाली लाई की सब्जी। आज हम बनाएंगे पहाड़ी लाई की सब्जी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लाई की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। लाई को सबसे पहले धो लेना है। इसे धोने के बाद कट करना है। थोड़ा लाई मैंने पहले से कट करके रखी हुई है, ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में लाई को कट करना है इस तरीके से। आप चॉपिंग बोर्ड में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ में इस तरीके से बात के काटना अच्छा लगता है। लाई को बहुत ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा मोटा इसे कट नहीं करना है। सभी लाई को कट कर लिया है। अब आइए गैस की तरफ, फ्लेम ऑन करके कढ़ाई ले ली है। आप इसे किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, और सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे ले सकते हैं। अब तेल को होने देते हैं गरम। तेल गरम हो जाए उसके बाद ले लेनी है लाल मिर्च। मैंने यहाँ पे 4 लाल मिर्च ली हैं, इन्हें फ्राई करना है। लाल मिर्च को तब तक फ्राई करना है जब तक मिर्च का कलर डार्क ना हो जाए। मिर्च भी भुन चुकी है, इसका कलर डार्क हो गया है, इतना मिर्च को भुनना है। तो अब मिर्च को निकाल लेते हैं प्याले में। आधा चम्मच जीरा, अगर आप हरी मिर्च डालना चाहते हैं लाई की सब्जी में तो आप यहाँ पे डाल लीजिए। अब लेते हैं प्याज, 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस 3 से 4 सेकेंड ही फ्राई करना है। प्याज का कच्चापन चला जाए उतना ही प्याज को फ्राई करना है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार या 1 चम्मच से कम। मसालों को मिक्स करते हैं और हल्का सा भून लेते हैं। मसाले भी भून चुके हैं। अब लेते हैं लाई। पहले थोड़ा लाई लेंगे। थोड़ा लाई इसलिए लेनी है, पहले इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि हरी सब्जी लाई भी हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो कढ़ाई भर जाती है और इसे पलटने में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए इसे पहले अच्छे से थोड़ा लेना है और मिक्स करना है। मिक्स करने में ये सब्जी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है और बैठ जाती है। तो आप लाई में लाल मिर्च भी ले सकते हैं, कूटी हुई, और हरी मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से बनाया जाता है तो मैं इसी तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाए हैं तो एक बार आप ज़रूर बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसे बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में। कढ़ी चावल के साथ, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, सादे पराठे के साथ। और बाकी की भी बची हुई लाई हमें ले लेते हैं। अगर सारी लाई एक बार में डाल देते तो ये कढ़ाई से बाहर आने लगती, तो इसलिए हमने पहले नीचे की कढ़ाई सब्जी को मिक्स कर लिया है। और ये देखिए थोड़ा बैठ गई है सब्जी। अब सब्जी को मिक्स करने के बाद इसे कवर कर लेते हैं लो फ्लेम में 3 मिनट के लिए। हमने सब्जी में पानी का यूज नहीं किया है, हरी सब्जी और प्याज दोनों ही पानी छोड़ते हैं। वो जो पानी छोड़ते हैं उसी में वो सब्जी बनके तैयार हो जाती है, तो एक्स्ट्रा पानी की इसे जरूरत नहीं है। 3 मिनट हो गए हैं तो अब कवर को हटाते हैं, सब्जी को पलटते हैं। सब्जी को पलटने के बाद वापस से कवर करते हैं 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। 2 मिनट बाद कवर को उठाते हैं, सब्जी को पलटते हैं कि सब्जी बनके तैयार है। 5 से 6 मिनट में लाई की सब्जी बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको लाई की सब्जी की ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। लाई की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है।
साथ में है भुनी हुई लाल मिर्च जो लाई की सब्जी का स्वाद बढ़ा देती है। आपके परिवार में सभी को लाई की सब्जी की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये सर्दियों की खास रेसिपी है। मिलती हूँ एक बार फिर नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।